अगर आप रेलवे एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी या फिर डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं परीक्षा ऐप पे। परीक्षा ऐप पे इसके अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और टेस्ट सीरीज खरीदने के लिए एसएस उमंग 40 कूपन कोड अप्लाई करें जिससे आपको 40% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। मेरा नाम दीपक कुमार है। बताइए 19 दिसंबर को किए हैं, 19 दिसंबर 2019 में। तो अभी यहाँ से कैंप में है, फिलहाल ट्रेनिंग चल रहा है, 1 महीना यहाँ रहना है, उसके बाद फिर स्टेशन जाएंगे। सकती है वहाँ भी आइए। तो कैसा लग रहा है, सरकारी कर्मचारी हो गए, क्या मतलब होता में क्या चेंजेस आए, आप मोहल्ले वाले कैसे देखते हैं, घर वाले कैसे देखते हैं, पहले कैसे देखते हैं? अभी तो जॉब के बाद घर गए नहीं है तो उसका अनुभव नहीं है। बातचीत हो रहा होगा घर वालों से? हाँ, बातचीत हो रहा है। क्या रिएक्शन आ रहा होगा तो व्हाट्सएप पे? पहले से बेटर है, पहले से बहुत सुधार है। काम होगा अगर 10 दिन में, अभी तो वहां का 15 20 दिन हुआ है। आप कल जगह जाकर इंटरव्यू लेते हैं, लाइव होगा, बंद कीजिएगा अभी। इंटरव्यू अभी यहां से सेफ्टी कैम में है और बहुत सारे रिफ्रेशर लोग, पुराने लोग हैं वो भी आते हैं यहां पर। बहुत सारे लोग यहाँ पुराने जो काम कर रहे हैं वो भी यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेशर लोग, अपना अनुभव शेयर करते हैं, उनसे उनको कुछ सीखने का मौका मिलता है, बहुत कुछ और यहाँ रहने में बहुत अच्छा लगा है। अपना परिचय दीजिए, बताइए पहले का एक्सपीरियंस कैसा। मेरा नाम धनंजय पासवान है, हम बालू नाथ स्टेशन पर टोरी सेक्शन में है। हमारा ज्वाइनिंग 27 जुलाई को हुआ था, 4 महीना 5 महीने की ड्यूटी किए हैं, कैंट की लर्निंग लिए हैं, उसके बाद सेफ्टी कैंप में आए, ट्रेनिंग के लिए 30 दिन के लिए ट्रेनिंग चल रहा है। अनुभव अच्छा रहा है, लोग अच्छा बताओ किए हैं, गवर्नमेंट इंप्लॉय होने के नाते से थोड़ा समाज में इज्जत बढ़ा है, और सब अपना मेहनत करते हैं आगे के लिए भी, किसी करते करते कुछ और पढ़ाई जारी है कुछ अच्छा करने के लिए। अपना परिचय दीजिए, बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा। नमस्कार, मैं रोशन कुमार पासवान, पॉइंट्समैन बी पे सेलेक्टेड हुआ हूँ, और मैं धनबाद मंडल में 27 जुलाई को यहाँ पे वेरिफिकेशन हुआ हम लोग का, और 29 तारीख को बालूमाथ स्टेशन पे रिपोर्टिंग किया, और वहाँ पे हम लोग ने 6 महीना ड्यूटी करके फिर सर वहाँ से इस पर सुरक्षा सेवा में क्या किया जाकर के वहाँ ट्रेनिंग लेना है। तो हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, हम लोग दिसंबर के लास्ट में यहाँ से स्पेयर जाएंगे। तो इंडियन रेलवे आने के बाद रिस्पेक्ट तो मिल रहा है घर से, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि हम लोग को कहीं और अच्छा जगह जॉब लेना चाहिए था, तो इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं और प्रयास कर भी रहे हैं। और बस पॉइंट्समैन जैसे कि सर पॉइंट्समैन का मतलब हो गया अभी स्टंटमैन, पोर्टर और सेंटमेंट क्वार्टर सबको मिलाकर मिला करके एक ही पॉइंटमेंट का पोस्ट बना दिया गया। तो उसमें उसमें जैसे कि हम लोग रेक अभी हम लोग का यानी कि जहाँ पे पोस्टिंग है तो वो सीआईसी लाइन है, तो वहाँ पे पैसेंजर गाड़ी नहीं चलती है, वहाँ पे सिर्फ कोयला लोडिंग होता है, और लोडिंग को हम लोग कंप्लीट करके लोडिंग को हम लोग कंप्लीट करके और रेक निकालते हैं, ये सब काम होता है। अभी तो कम्पलीट एग्जाम के लिए टेस्ट जरूरी है, उसको रेगुलर टेस्ट देना बहुत जरूरी है। और मैथ के लिए आर एस अग्रवाल, महेश मिश्रा, हमको महेश मिश्रा मुझसे पढ़े, मैथ एकदम बहुत अच्छा बुक है। मिलनी तो है कि रेलवे के लिए खासकर आजकल करंट ज़्यादा पूछने लगा है, उसका तैयारी जो है ऐसा नहीं कि मतलब आज एग्जाम में तो 10 दिन पहले करंट पढ़ना स्टार्ट किए, वो सब सिस्टम नहीं चलेगा, उसको जो है रेगुलर से करंट को भी जो है करंट को रेगुलर बेसिस पर पढ़ना है।